मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मनीष सिसोदिया ईश्वर की शपथ लेता हूं। फेब्रुवारी 2015 दिल्लीच्या राजकारभारात आम आदमीच्या प्रशासनाची मेळ रोयली आणि चालू झाले दिल्लीतल्या जनतेचे जीवन बदलपाचे नवे पर्व। जनतेचो आवाज झालो आपचे सरकार। लाईट सवाय झाल्या, आता पहिली परस अर्ध्या रेटीन मेळपाक लागल्या। उदकाचें बील झिरो झालां, पळय 1.5 वर्स जालें उदकाचें बील झिरो येयलां। वाड्या वाड्यांनी एकदम बरे मोहल्ला क्लिनीक केल्या आनी हांगा सगळीं वखदां फ्री मेळटा। हांव पयले पावटी पळयता हांगा की सरकारी स्कुलान काम जावपाक लागला, बिल्डिंगां नवीं बांदल्या, बरें शिकप जाता भुरग्यांचे। यहां पर हम वो लोग तैयार करेंगे जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज, बड़े बड़े होटल्स को चलाएंगे। सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर हमने ये वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर शुरू किया है। वो हमचो रिटेल लैब, आमी हांगा रिटेल रिलेटेड सगळे ट्रेनिंग दिता, जसे कस्टमर सर्विस, स्टोर ऑपरेशन। वी हैव टाई अप विथ ऑल इंडस्ट्रियल जायंट्स। देशान सद्याक स्किल मॅन पॉवराची खूब गरज आसा। हांगा तुम्ही एका बँकाचो प्रोटोटाइप सेटअप पळयतात। आमी हांगा रियल लाइफ बँकान जशी कामां जातात तांची प्रॅक्टीस विद्यार्थ्यांक दितात। आमी अशा तरेच्या ट्रेनिंग दितात जे वरवीं पयलीं दिसा सावन विद्यार्थ्यांक बँकिंग इंडस्ट्री व फायनान्स नोकरी मेळ्यार कसलीच अडचण जावची ना। आमचे विद्यार्थी एम्प्लॉयरांची सगळी अपेक्षा पुराय करतात। हॉटेलांनी जे तरेची सेवा जाय तसलें ट्रेनिंग दिता। इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट्स लायक F&B सर्वीस, हाऊसकीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस, हे आमचे हाऊसकीपिंग लॅब। बेड मेकिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, हांगा ताचें ट्रेनिंग दिता। तेच भाशेन फ्रंट ऑफिस लॅब, चॅक इन चॅक आउट कशें करता ताचें ट्रेनिंग दिता। आनी एक खास ट्रेनिंग F&B, गेस्टांक कशें सर्व करप आनी तांची कशी काळजी घेवप हाचें ट्रेनिंग दिता। ह्या सेंटरांतल्यान भायर सरपी प्रत्येक विद्यार्थ्यांक नोकरी मेळटली हाची खात्री सरकार दिता। आमचे इंडस्ट्रींतल्या नांवाच्या कंपनी बरोबर कॉलॅबोरेशन आसा, जाका लागून रोजगाराची संदी आमकां बरे तरेन उपलब्ध केल्यात। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही प्राइड के साथ कह सकता हूँ कि दिल्ली सरकार का ये वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर देश का सबसे बेहतरीन स्किल ट्रेनिंग सेंटर है। इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। ये मान्या हंगा कामाक आशिले त्यांचे दिसवट 1.5 पटीन वाढायले हे सरकार आमचे मनायचे। पळय सर, केजरीवाल सरकार पुरायपणान शेतकऱ्यांचो सरकार। देशान सगळ्यांत चड मोबदलो शेतकामत्यांक दिल्लींत मेळपाक लागला, 50,000 रुपया दर हेक्टराक। बिजनेसूय बरें चल्ला, कसलेच प्रॉब्लेम ना। सरकार तर सगळीच कडेन आसा, देशात आसा, राज्यात आसा, नगरपालिकांनी आसा, पूण आम आदमी खातीर सरकाराचो अर्थ कितें हे पयलेच फावट दिसून आयले दिल्लीत। हाची सगळ्यात महत्वाची गजाल ही की हे सरकार प्रामाणीक आसा। हांगा मंत्री व आमदार पैसो करूक न्हय तर जनतेची कामां करपाक मेहनत घेतात। पोलीस अधिकारी जर जनतेचे काम करिना जाल्यार हे सरकार सामकी कडक कारवाई करता। आप कहते हो कि यहां पे केबल का फॉल्ट है, मुख्यमंत्री के आ जाने से केबल ठीक कैसे हो जाती है? शहरी के टाइम पे और स्टार के टाइम पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जनतेची जर कसली समस्या असत जाल्यार हे सरकार तितलेच मायेस्त जाऊन त्यो समस्या जाणून घेता। सर, हमारी गली पूरी खुदी हुई है और बारिशों में पूरी भरी रहती है, वो हर वक्त गंदा पानी, कीचड़ पानी भरा रहता है। आपका फोन नंबर तो आ गया, मैं आपकी डिटेल्स नोट करवा रहा हूँ और मैं सर, कल सर। किसी ऑफिसर को भेजता हूँ, वो आपके साथ बैठ के इसका जो भी समाधान हो सकता निकालेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांच्या फुडारपणा खाला काम करपी हे सरकार आज फकत दिल्लीतच लोकप्रिय न्हय तर पुराय देशभर तितल्याच फामाद जाला। आदल्या सरकारा खातीर फकत पूल बांदप, रस्ते करप आनी ताचेर पैसो खावप इतलीच विकासाची व्याख्या आशिल्ली। रस्ते आनी पूल हे सरकारूय बांदता, पूण खूब बचत करून। ह्या सरकारान 3 पूल बांदले आनी 3 पुलांक एस्टिमेट परस कमी पैसो खर्च जालो। सगळे मिळून 350 कोटी सरकारान वाचयले असले पहिले पाट ऐकला। पैसे वाटयता आनी कामाय बी जाता। हो पूल फाटलो सरकार कितलोच तेम बांदतालो, पूण केजरीवाल सरकार येतकूच वर्सा भितर हो पूल बांदून रेडी जालो। पहिले सरकार असताना सरकारी दवाखाना बांदपाक कमीच कमी 6-7 कोटी रुपया लागताले आनी कायनी म्हणल्यार 3-4 वर्सां लागताली। आता अशी दुयेंतीक फुकट मेळटा। सरकार करता लागीच ते 20-15 लाखां भितर एक मोहल्ला क्लिनीक उबे जाता आनी तेवूय बी 3-4 महिन्या भितर।
हे सरकार जनतेचे, जनतेचो पैसो जनते खातीरच मोडटा आणि जय पैसो सालवार जाता थोचो पैसो जनते खातीरच हेर कडे वापरता। हमने हर दिल्ली सरकार के काम में करप्शन बंद कर दिया, जैसे 125 करोड़ का फ्लाईओवर था हमने 200 करोड़ का बना दिया, एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 24 करोड़ का बनना था हमने 16 करोड़ का बना दिया। तो ये जो इतना सारा पैसा हम बचा रहे हैं दूसरे कामों में, उससे हम लोगों ने ये दवाइयाँ मुफ्त कर दी हैं और इससे गरीबों को, मिडिल क्लास के लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। आज दिल्लीतल्या आरोग्य सेवेची तोखणाय सबंध जगभर जाता। मोहल्ला क्लिनिकातली दोळे दिपकावपी सेवा पळून सबंध देशभरातले लोक दिल्लीत येऊक लागल्यात। करंटली मेडिसिन्स आर अवेलेबल एट हॉस्पिटल्स, पेशंट तर खुश असा कारण वक्तां तर हंगासर फुकट मेळटात, तसे काय प्रॉब्लेम ना, ते आर हॅपी। आता सगळी वक्तां मेळतात, पहिली थोडी मेळताली थोडी मेळनासली, आता सगळी मेळतात। पहिली वखदां केन्ना 1-2 मेळताली आनी चडशी भायर मेळताली, पूण आतां सगळीं वखदां हिंगाच मेळटा। दिल्लीतल्या सगळ्या मनशांक बऱ्यांतली बरी आनी सवाय आरोग्य सेवा दिवप हें आमचें सपन आनी तें साकार जाता अशें आमकां दिसता। पळय आमकां बील 0 येयलां, हें आमकां एकदम बरें, कित्याक जे आमचे पयशे सेव जाता ते आमकडे दुसऱ्या कामाचेर घालूंक जाता, भुरग्यांचें शिकप आसा आनी दुसरो खर्चो आसा। ज्या वाठारांत इतलीं वर्सां उदका पुरवण नाशिल्ली थंय घरा घरांत पिवपाक उदक उपलब्ध करप हेंच तर सरकाराचें काम। पयलें उदक कांयच येनाशिल्लें, वरांची वरां लायनीन रावचें पडटालें, हांगा साकून ते मेरेन बाल्ड्यो घेवन उदका खातीर खूब तळमळचें पडटालें, झगडीं बी खूब जातालीं। आतां हे सगळे कश्ट पयस जाल्यात। पयले फातोडेर 5-5:30 उठून उदका खातीर लायनीन रावचें पडटालें, खूब त्रास जाताले। आतां आमचें सरकार आयिल्ल्याक हे सगळे कश्ट पयस जाल्यात, उदका खातीर बरी सुविधा आमकां मेळपाक लागला। हम लोगों ने चुनाव में एक वादा किया था कि हम 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देंगे, और जीतने के बाद सबसे पहला निर्णय जो इस सरकार ने किया वो था 20,000 लीटर पानी हर परिवार को मुफ्त देने का। जब हमने ये निर्णय लिया तो ये कहा गया कि इन लोगों को सरकार चलानी नहीं आती, इनको इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है और दिल्ली जल बोर्ड डूब जाएगा, घाटे में चला जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड के इस शहर में टोटल लगभग 20 लाख कनेक्शन हैं, आज उनमें से 11 लाख लोग मुफ्त पानी का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि वो केवल 20,000 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो 11 लाख परिवारों को मुफ्त पानी मिल रहा है और उसके बावजूद भी पूरे गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड का घाटा नहीं हुआ, दिल्ली जल बोर्ड ने 178 करोड़ रुपए की ज़्यादा कमाई करके दिखाई है। ये है आम आदमी के फायदे की गवर्नेंस। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, हमारे पास सरप्लस बिजली है। पिछली सरकार जो एग्रीमेंट कर गई है उसकी वजह से हमें बिजली महंगी मिलती है, वरना बिजली और भी सस्ते दामों पर मिलती। सगळ्यात सवाय वीज, सगळ्यात सवाय उदक, विकासाचे प्रकल्प उभारपात प्रामाणिकपण आणि काटकसरीन केल्लो पैशांचो खर्च, ह्यो सगळ्यो तर फकत सुविधा, पूण देशाची बुनियाद घट करप हे सामके मोठे आणि महत्त्वाचे काम। शिक्षणाच्या क्षेत्रात देशाची बुनियाद घट जाव येता हाचेर सरकाराचो पुरायपणान विश्वास असा। पहिले शिक्षक विद्यार्थ्याकडे लक्ष दिना असले, पूण आता सगळे बरे तरेन लक्ष दिवपाक लागल्या। पेरेंट टीचर मीटिंग झाली, सरकार स्वतः शिक्षणाकडे खूप लक्ष देता, सरकार बरी काम करूंक लागले आणि भुरगी बरी शिकपाक लागल्या। म्हजी चली सरकारी शाळेनी कसलेच ऍक्टिव्हिटीन भाग घेनाशिल्ले, पण आता सगळे ऍक्टिव्हिटीनी भाग घेता। या सरकारान फकत दिल्लीतल्या आदल्या शाळांचोच कायापलट करूंक ना, तर शाळांची उणीव भरून काढपाक नव्यो उचेल्या दर्जाच्यो शाळा बांधपाचे काम सुरू केला, ज्यो खासगी शाळा परसूय फाटी ना। सरकार हेवूय मानता की फकत बिल्डिंगी बांधून सुविधा देऊन वर्ग चकचकीत करून शिक्षणाचा स्तर इतक्या उचेल्या पावंड्यार पावूक शकना, जे दिल्ली सरकारान सपन पळयला। सरकार क्वालिटी एज्युकेशनचेर विशेष ध्यान देता। हमारी कोशिश यह है कि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स के इक्विवेलेंट हों, उनसे बेहतर हो जाएं, और वहाँ पर जो माहौल है वो टीचिंग का ही नहीं लर्निंग का भी हो। क्लासरूम्स में लर्निंग का माहौल बनाने के लिए हम टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग करा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने प्रिंसिपल्स की स्पेशल ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनको विदेश में भी भेज रहे हैं। हे सरकारान स्कूलांक खूब बरें केलां, गव्हर्मेंट स्कूलांक खास कर, आनी हे सरकारान हें केलां की खंयच्या सरकारान पयलें करूंक ना, प्रायवेट स्कुलांच्या फिजांचेर तेणी सारकें कंट्रोल हाडलां। म्हजो चलो प्रायवेट स्कुलांत शिकता, जंय भरमसाट फी घेता। ह्या इशुवाक लागून आमी आमचे शिक्षण मंत्री मनीष सिसोदिया कडेन गेले आनी ताणें रोखडेच ह्या स्कुलाचेर कारवाय केली आनी स्कुलान आपली फी देंवयली।
थोड्या वेळान आमकां ती फी वाढिल्ली ती चेका माध्यमान परत केली. हे इतिहासान पहिले पट झाला. हांव एक शेतकामती. दिल्ली सरकारान शाळा इतल्यो बऱ्यो केल्या की म्हजें मन करपाक लागलां की हांवूय आमचे बायक सरकारी शाळेंतूच घालतलो. सायबा, जर खंयच्याय सरकारान शेतकारांचे दुख समजून घेतल्या जाल्यार ते फक्त केजरीवाल सरकारान. हमसे पहले वाली सरकारें तो मानती नहीं थी कि दिल्ली में किसान भी हैं. हमारी सरकार ने ना सिर्फ दिल्ली में किसानों को पहचान दिलाई है, बल्कि उनके दुख की स्थिति में, उनके नुकसान की स्थिति में देश में सबसे ज़्यादा मुआवजे की व्यवस्था हमने की है. आज दिल्ली में किसानों को अगर कोई नुकसान होता है तो बेहतर मुआवजा मिल रहा है, सम्मान. दिल्ली जे पहिली केन्नाच जाऊक नाशिल्ले ते आता फाटल्या 2 वर्सांनी झाला. ही तर फकत नांदी. 3 वर्सां अजून शिल्लक असतात. दिल्लीक नवी वळख दिवपाचे सपन शेर्त साकार जातले, कारण हे सरकार आप चलयता. दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार कितना अच्छा काम कर रही है. देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार की चर्चा हो रही है, काम की चर्चा हो रही है. आपने देखा कि कितने अच्छे अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं. पहले 4-4 करोड़ में एक डिस्पेंसरी बनती थी, अब 20 लाख रुपये में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, जिसमें सारी दवाइयाँ फ्री, सारे टेस्ट फ्री, डॉक्टर फ्री एंड वेरी हाईटेक मोहल्ला क्लिनिक्स. आप भी चाहते हैं ना गोवा के अंदर इस किस्म के मोहल्ला क्लिनिक बने? ज़रूर बन सकते हैं. हम सब लोगों को मिलके इस बार आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करना पड़ेगा. दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह से सरकारी स्कूल ठीक हो रहे हैं. कभी सोच सकते थे सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल हो सकते हैं, सरकारी स्कूलों के अंदर लिफ्ट्स हो सकती हैं? दिल्ली के अंदर नए नए स्कूल बन रहे हैं, सरकारी स्कूल बन रहे हैं, विच आर मच बेटर देन इवन प्राइवेट स्कूल्स. बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में एडमिट करा रहे हैं और सरकारी स्कूल में सारी एजुकेशन फ्री है. गोवा के अंदर भी अपने को गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करना है, लेकिन वो तभी हो सकता है ओनली इफ़ यू हैव एन ऑनेस्ट गवर्नमेंट. दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूल्स पहले मनमाने तरीके से हर साल अनाप शनाप फीस बढ़ा देते थे. एक आदमी बेचारा क्या करे, उसे अपने बच्चों को तो पढ़ाना है. पहली बार ऐसे हुआ कि हमने प्राइवेट स्कूल्स को फीस नहीं बढ़ाने दी. पहली बार ऐसे हुआ कि जिन प्राइवेट स्कूल्स ने फीस बढ़ाई थी उनको ऑर्डर करके फीस कम करवाई, सारे बच्चों की फीस हम लोगों ने रिफंड कराई. गोवा के अंदर भी कई सारे अच्छे हैं प्राइवेट स्कूल्स, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल मनमानी करते हैं उनके ऊपर तो अंकुश करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए यू नीड एन ऑनेस्ट एंड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट. इसी तरह से अपने को गोवा को ठीक करना है. सारे गोवा के लोग चाहते हैं कि कैसिनोज बंद होने चाहिए. बीजेपी ने भी नहीं किए, कांग्रेस ने भी नहीं किए, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के नेता कैसीनो वालों से मिले हुए हैं. केवल आम आदमी पार्टी कैसीनोज बंद कर सकती है, गोवा के कल्चर को बचा सकती है. कुछ पार्टियां कहती हैं कि तुम हिंदू हो, हिंदू हमारा वोट बैंक है. कुछ पार्टियां कहती हैं तुम क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियंस हमारा वोट बैंक है. कुछ पार्टियां कहती हैं आप भंडारी समाज से हो, भंडारी समाज हमारा वोट बैंक है. लोगों को जाति और धर्म के नाम पे ये लोग वोट लेना चाहते हैं. कोई पार्टी, ये कांग्रेस बीजेपी वाले ये नहीं कहते हम स्कूल बनवाएंगे, ये कांग्रेस बीजेपी वाले ये नहीं कहते हम अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, पानी ठीक करेंगे, बिजली ठीक करेंगे. ये आपको आपकी जाति और धर्म के नाम पे आपसे वोट लेते हैं. और अभी तक हम जाति और धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बन के इनको वोट देते रहे. पहली बार एक ऐसी पार्टी है ये आम आदमी पार्टी जो कह रही है हम स्कूल देंगे. किसके बच्चों को स्कूल नहीं चाहिए? क्रिश्चियंस के बच्चों को स्कूल नहीं चाहिए, हिंदुओं के बच्चों को स्कूल नहीं चाहिए, भंडारी समाज के बच्चों सबको स्कूल चाहिए. पहली बार एक ऐसी पार्टी आई है जो कह रही है हम आपको अस्पताल देंगे, हम आपको जॉब्स देंगे. केवल आम आदमी पार्टी है जो करप्शन दूर करके जॉब्स क्रिएट कर सकती है. सबके बच्चों को जॉब्स चाहिए, भंडारी समाज के, क्रिश्चियंस के, हिंदुओं के, सबके बच्चों को जॉब, मुसलमानों के, सबके बच्चों को जॉब्स चाहिए. इस बार अपनी जाति की तरफ मत देखिएगा, इस बार अपने धर्म की तरफ मत देखिएगा. सारे मिलके हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख, ये समाज, वो समाज, सब लोग मिलके इस बार आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए. दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था. दिल्ली में आउट ऑफ 67 सीट्स आम आदमी पार्टी वन, 67 सीट 70 में से कैसे आई? क्योंकि सब लोगों ने वोट दिया था, सारे धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख,
इस जाति के उस जाति के सब लोगों ने मिलकर वोट दिया था, क्योंकि सब लोगों को लगा कि यही पार्टी है जो करप्शन दूर कर सकती है और इतना अच्छा काम कर रही है। 2012 के अंदर आप सब लोगों ने कांग्रेस को हराया था। कांग्रेस के करप्शन से इतना ज़्यादा तंग हो चुके थे गोवा के लोग, इतना तंग हो चुके थे कि सारे गोवा के लोगों ने तय कर लिया था कि कांग्रेस को तो हराना है। ऐसे ऐसे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया जो कभी जिंदगी में बीजेपी को वोट ना दें, बिकॉज बीजेपी इज़ अ कम्युनल पार्टी। तो ऐसे ऐसे लोगों ने भी बीजेपी को वोट दिया कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए। और उस टाइम मनोहर पर्रिकर जी के अंदर एक लोगों ने उम्मीद देखी थी, लेकिन आज 5 साल के बाद सारे गोवा के लोग कह रहे हैं कि धोखा हो गया। बीजेपी तो कांग्रेस से भी ज़्यादा महाभ्रष्ट निकली, कांग्रेस जितनी भ्रष्ट थी बीजेपी उसे डबल भ्रष्ट है, और मनोहर पर्रिकर जी ने भी धोखा दिया लोगों को। अब लोग कहाँ जाएं? इस बार आम आदमी पार्टी है, ऊपर वाले की कृपा है कि आम आदमी पार्टी बनी और आम आदमी पार्टी इस तरह से इतना अच्छा काम कर रही है। हम सब लोगों को मिलकर इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी अपना वोट बट ना जाए। कांग्रेस कहीं टक्कर में नहीं है, कांग्रेस इज़ नॉट इन द रेस, कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है। अगर आप में से कुछ लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया, कुछ लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, तो वोट बट जाएगा, बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाएगी। सब लोग मिलके इस बार आम आदमी पार्टी को वोट देना। और बीजेपी को भी जो लोग वोट देते हैं उनसे मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैं कई लोगों से पूछता हूँ किसको वोट दोगे, बीजेपी को देंगे, क्यों देंगे? हम तो, हमारा परिवार बीजेपी को वोट देता आ रहा है, हमारे एंसेस्टर्स बीजेपी को वोट देते, बीजेपी ने आपको क्या दिया? अभी तक कितने सालों से आपने बीजेपी को वोट दिया? बीजेपी ने कुछ दिया? बीजेपी ने मोहल्ला क्लिनिक दिया? बीजेपी ने अच्छा एजुकेशन दिया? बीजेपी ने अच्छा गवर्नेंस सिस्टम दिया? नहीं दिया। बीजेपी ने केवल करप्शन दिया, कम्युनलिज्म दिया। तो जो बीजेपी को भी वोट कर रहे हैं वो प्लीज़ डोंट वोट फॉर देम। इन द एंड आई वॉन्ट टू से, हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। हम लोग करप्शन ही करते, हमारी दिल्ली में सरकार है, आज अगर हम चाहते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि गोवा का भविष्य सुधरे तो चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। आज आप कसम खाइए कि कम से कम अपने 100 दोस्तों को या रिश्तेदारों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए एनकरेज करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।